बंधुओं, कभी आपने विचार किया कि हमारा आरती का जो थाल होता है उसमें कपूर रखा जाता है, धूप बत्ती रखी जाती है और दीपक रखा जाता है और थोड़े फूल रखे जाते हैं। आखिर ये हमें क्या बताना चाहते हैं, क्यों रखे जाते हैं? आइए इस पर एक छोटा सा चिंतन करते हैं। हमने देखा कपूर जब जलता है धुआं दे करके जलता है और बहुत जल्दी समाप्त हो जाया करता है। धूप बत्ती धीरे 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 सुलगती हुई चलती और धीरे धीरे धुआं छोड़ती है। और दीपक हमने देखा कि चारों ओर प्रकाश कर दिया करता है। आखिर हमारी आरती की थाल में इन तीनों चीजों का क्या उपयोग है, क्यों रखे गए? किसी मनीषी ने विचार किया होगा, किसी विद्वान ने विचार किया होगा कि समाज में मैं लोगों को क्या बताऊं इसके विषय से। बहुत लोग होते हैं, सभी का अपना अलग चिंतन होता है। कपूर धुआं देता है और जल्दी जल जाया करता है। कपूर बोला है अपनी खुशियों को, आपने देखा है खुशियां बहुत जल्दी आएंगी और खुशियां आनंद का धुआं दे करके बहुत जल्दी खत्म हो जाया करती हैं। और धूप बत्ती बोली हुई है अपने दुख को कि जीवन में हमें चाहे थोड़ा दुख हो चाहे ज्यादा दुख हो वो बहुत लंबे समय तक लगता है कि अरे बहुत दुख का समय चला गया, बहुत दुख हो गया। हम हमेशा दुख को बहुत दूर तक देखते हैं, इसलिए धूप बत्ती देर तक जलती और धुआं छोड़ती है। लेकिन वहीं उसके पास में दीपक रखा हुआ है। दीपक ज्योति का प्रतीक है, ज्योति आत्म ज्योति का प्रतीक है। दीपक असतो मा सद्गमय, असत से सत की ओर, अंधकार से उजाले की ओर। हमारे गौतम बुद्ध का अपो दीपो भव, अपने दीपक बनो, अपनी ज्योति बनो, अपनी जागृति बनो, उसका प्रतीक है दीपक। बंधुओं, जब भी आरती की थाल सजेगी उसमें आपकी कपूर जलेगा, कपूर बताएगा कि कैसे करके खुशियां जल्दी उड़ जाया करती हैं और आनंद का धुआं दे करके जाती हैं, ऐसी धूप बत्ती बताएगी। और बंधुओं, जब हमें चेतना आती और ज्ञान आता है तब हमारे अंदर दीपक जल जाया करता है और वो दीपक चारों ओर उजाला किया करता है। और जब दीपक जल जाता है, आरती पूरी होती है, सारा सब कुछ होता है, हम प्रसन्न होकर के देवताओं पर और इस सृष्टि पर, इस प्रकृति पर फूल न्योछावर कर देते हैं कि तेरा धन्यवाद है प्रकृति, तेरा धन्यवाद है सृष्टि, जो तूने मेरे अंदर ये चेतना जगाई। बंधुओं, अपने जीवन में इसी प्रकार का दीपक जलाएं, इसी प्रकार की धूप जलाएं, इसी चिंतन के साथ जलाएं कि ये खुशियां थोड़े समय की हैं, ये भी समाप्त हो जाएंगी, दुख भी है लंबा चलेगा, जैसा चलेगा समाप्त हो जाएगा, लेकिन मुझे अपनी ज्योति के लिए जगना है, मैं अपनी सृष्टि में इन फूलों की तरह कैसे निछावर हो सकूं। आइए हम भी अपनी आरती का थाल इस प्रकार से चलाएं। और आज आप सबको मेरे प्रणाम।